लोन ऐप जहाँ से आप लोग आसानी से लोन ले सकते हैं गाइस। तो इस वीडियो के अंदर पूरा का पूरा अंत तक बने रहिए, क्योंकि वीडियो होने जा रहा है काफी इंटरेस्टिंग, काफी हेल्प फाइनेंस रिलेटेड वीडियो, फाइनेंस रिलेटेड फाइनेंस लोन लेके आऊंगा मैं इन फ्यूचर आऊंगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो जो जो नया निकल डॉट सबसे पहले हम लोग जो आता है पहले हम लोग जो आता है पर्सनल लोन ऐप उसमें सबसे पहले आप 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 उसमें सबसे पहले आता है मैं रिकमेंड करूंगा बताऊंगा धीरे धीरे। स्टेट बैंक की है। उसके बाद है क्या, एक्सिस पर्सनल लोन, उसी पर्सनल आईडी में नंबर 5 में पर्सनल लोन। ये सब जो लोन पर्सनल लोन जो क्राइटेरिया क्या, मतलब बैंक में ये है। उसके बाद आईडीबीआई जो है, आईडीबीआई 10 लाख 14% तक दे रहा है, बजाज फिनसर्व जो है वो 25 लाख 13% में दे रहा है, थोड़ा ज्यादा है। ये जो है 13% के ऊपर थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, आईडीबीआई थोड़ा ज्यादा है, 14% सबसे टॉप है ये, ठीक है। उसके बाद कनाडा बैंक का है, कनाडा बैंक का देखिए 3 लाख तक दे रहे हैं, ज्यादा नहीं दे रहा है, 11.25% है, 13.9%। इंडियन ओवरसीज जो दे रहा है 10% का रेट में 5 लाख तक दे रहा है, ठीक है। अगर ज्यादा दिखा जाए तो सबसे ज्यादा लोन प्रोवाइड कर आईसीआईसीआई बैंक को कर 40 लाख 10% इंटरेस्ट रहता। अगर आपको ज्यादा चाहिए तो मैं रिकमेंड करूंगा आईसीआईसीआई बैंक से लोन प्रोवाइड यहाँ से क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऐसे कुछ इंटरफेस आता है, देखिए आईसीआईसी पर्सनल लोन यहाँ से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं गाइस, ठीक है। आईसीआईसी पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं। पीआई लोन्स जो है ये इसके भाई से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से आपको चूज करके करना पड़ेगा, ठीक है। ये सारे के सारे डिटेल्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, देखिए लोन डिटेल्स भी बोल रहा है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन देखिए कितना बोला है 40 लाख, मिनिमम अमाउंट ऑफ लोन कितना बोला है देखिए 25,000, 10 ईयर 10 to 14 months 10 to 40 months बोल रहा है। इंटरेस्ट रेट क्या है, 10.5% से 20% तक, लोएस्ट ईएमआई 2137 पर लाख पर लाख में ईएमआई कितना लेगा ये लोग 2137 पर लाख, लोएस्ट ईएमआई है, ठीक है, 2137 पर लाख के बेसिस में ये लोग लेगा। प्रोसेसिंग फी क्या है, प्रोसेसिंग फी टिल 2.25% प्लस एक्स्ट्रा चार्जेस है, मिनिमम मैक्सिमम एज क्या है 23 to 75 years, पेनल इंटरेस्ट है 6% पर एनम, चेक स्वाप चार्जेस 500 प्लस जीएसटी, इनकम 25,000 अबव होना चाहिए तभी मिलेगा आपको, अदरवाइज नहीं मिलेगा, 25,000 अबव इनकम होना चाहिए, ठीक है। फ्यूचर्स ऑफ आईसीआईसी बैंक पर्सनल लोन देखिए, मैक्सिमम लोन अमाउंट अप टू 25 लाख, रीपेमेंट पीरियड टिल 72 मंथ तक ये लोग रीपेमेंट पेमेंट रखता है, रीपेमेंट शेड्यूल रखता है, इजी बैलेंस ट्रांसफर अवेलेबल, लोएस्ट ईएमआई एज कम्पेयर टू अदर बैंक कम्पेयर टू, अच्छा है ये, मतलब ईएमआई के बेसिस में अगर दिखा जाए तो अच्छा है, ठीक है। उम्मीद है कि गाइस आप लोगों को समझ में आ गया है। इसके बाद देखिए गाइस यस बैंक दे रहा है ये लोग 40 लाख सेम दे रहे हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा 10 लाख दे रहा है। सो यहाँ पर आप लोग आसानी से देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट बैंक अच्छा दे रहा है। तो एचडीएफसी बैंक का देखा जाए तो ये देखिए ये लोग 5 ईयर्स तक 10 ईयर दे रहे हैं ईएमआई रिडीम करने के लिए, और एज लिमिट है यहाँ पर 21 to 60 ईयर्स, प्रोसेसिंग चार्ज 2.5% ले रहे हैं, इंटरेस्ट 10.25% मिनिमम। देखिए आईडीबीआई बैंक में मिनिमम इनकम है तो इसका भी मिनिमम इनकम ये लोग बोल रहा है कि 50,000 से होने से ही हो जाएगा, तो ये लोग अप टू 10 लाख तक दे रहा है, 10-60 मंथ्स 5 ईयर्स तक ये लोग रिडेम्पशन के लिए दे रहा है। तो ये बेसिकली आईडीआई ऑफर वेरियस ऑप्शंस फॉर पर्सनल लोन विद द बेस्ट सर्विस ऑफ लोअर प्रोसेसिंग चार्जेस के हिसाब से दे रहे हैं, ठीक है। बजाज फिनसर्व पर्सनल लोन क्या बोल रहा है देखिए ध्यान से, गेट पर्सनल लोन विद इन 24 आवर्स विद बजाज फिनसर्व, नो कोलैटरल और सिक्योरिटी इज नीडेड, कोई कोलैटरल सिक्योरिटी नहीं चाहिए, फुलफिल योर एक्सपेंस, ठीक है। ये लोग मिनिमम इनकम होना चाहिए 25,000 बोल रहा है, ठीक है ना, एज होना चाहिए 23 to 50 ईयर 58 ईयर्स तक ये लोग का होना चाहिए, 25 लाख तक मैक्स टू मैक्स दे रहा है, ठीक है। कनाडा पर्सनल बोला जाए तो मिनिमम इनकम यहाँ पर होना चाहिए गाइस 10 लाख से ही हो जाएगा, यहाँ पर बहुत ही कम है, विद मल्टीपल पर्सनल लोन, कनाडा पर्सनल लोन मल्टीपल पर्सनल लोन स्कीम कनाडा ऑफर, ये 11.25 से लेकर 13% तक ये लोग इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, 10 to 60 मंथ
तक है, 3 लाख तक ये लोग ऑफर कर रहे हैं कनाडा पर्सनल लोन, ठीक है। इंडियन ओवरसीज बैंक अगर देखा जाए तो अबव मिनिमम इनकम अबव 5,000 होना चाहिए, उसे ही हो जाएगा। विथ 24x7 असिस्टेंट योर पर्सनल गेट योर पर्सनल लोन अप्रूवल विद इन 1 डे ऑफ योर एप्लीकेशन विथ HDFC। सो यहाँ पर हम लोग देख लिया बैंक ऑफ इंडिया का, देखा जाए तो मिनिमम इनकम होना चाहिए 10,000, इंटरेस्ट रेट 8.35 to 10.35, 23 to 75 ईयर्स, सिटी पर्सनल लोन। इसमें ज्यादा नहीं ले रहा है बैंक ऑफ इंडिया, जो बोला गेट द बेस्ट रीपेमेंट विद BOI पर्सनल लोन डिजिटल एप्लीकेशंस, ये लोग 10 लाख तक दे रहे हैं, लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इंटरेस्ट रेट देखा जाए तो 8.35 से लेकर 10% तक है, उतना ज्यादा नहीं है। ये लोग का मिनिमम इनकम 10,000 होना चाहिए। सिटी पर्सनल लोन क्या बोल रहा है, देखिए सिटी पर्सनल लोन ये 25,000 बोल रहा है, ठीक है। आप लोग को मैं रिकमेंड करूंगा, अगर इन अगलों का इनकम बहुत ही कम है तो गाइस आप लोग चाहे तो बैंक ऑफ इंडिया में ऑफर ले सकता है, वह प्रोसेस कर सकते हैं। अगर सैलरी आप लोगों को बहुत ही कम है तो सैलरी स्लिप देखा कर बैंक ऑफ इंडिया में ले सकते हैं। अगर डिटेल जानकारी चाहिए तो मेरे को इनबॉक्स में मैसेज कीजिए, मैं आपको बता दूंगा, मतलब यूट्यूब में कमेंट कीजिए, मेरे को बता दूंगा डिटेल्स, ठीक है ना। मतलब BOI के लिए देखिए इंदासिन बैंक का देखा जाए तो 25,000 इनकम से चाहे इसको देगा। और बैंक ऑफ इंडिया जो दिखाया था आप लोगों को गाइस, ये जो दिखाया था बैंक ऑफ इंडिया कहाँ गया, हाँ ये देखिए बैंक ऑफ इंडिया में इसमें आपको 10 लाख तक दे रहा है, मतलब मिनिमम 10,000 इनकम से आप लोगों को मिनिमम 25,000, 30,000, 50,000 आराम से मिल जाएगा गाइस, ठीक है। डॉयस बैंक का देखिए, डॉयस बैंक का 25,000 ही है, येस बैंक का भी 25,000 से है, लेकिन इंटरेस्ट रेट थोड़ा सेम टू सेम ही है, 15% तक है बैंक ऑफ बड़ौदा का। टाटा कैपिटल देखिए, लास्ट टाटा कैपिटल है ये 50%। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा इस बैंक को पढ़ो, चाहे तो अगर आपको लोएस्ट